हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टेक्नोमेटा में। और आज की इस वीडियो में हमारे पास है एचसीबी प्लस का एजी कैम प्लस कैमरा, वाईफाई कैमरा है। ये करेंगे इसके अनबॉक्सिंग और बताएंगे इसके सारे फीचर्स, कैसे आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं अपने फोन से और सारे जो इसके फंक्शनलिटी वगैरह कैसे आप एक्सेस कर सकते हैं अपने फोन में, ये सारा कुछ बताऊंगा आप इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। चलिए फटाफट इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, देखते हैं क्या क्या इस बॉक्स के अंदर आपको मिलने वाला है। तो सबसे पहले ये बॉक्स निकालते हैं। ओहो, ये बॉक्स, इसके अंदर एक बॉक्स और है, खुल जा, ठीक है, और कुछ नहीं है बॉक्स के अंदर। तो ये दो बॉक्स मिलते हैं हमारे लिए। इस वाले बॉक्स को ओपन करते हैं पहले, क्या है भाई इसमें। तो हमारा कैमरा उल्टा खोल दिया क्या, इसमें तो हमारा कैमरा मिल जाता है। ओके, इसको बाहर निकाल लेते हैं। अरे भाई इधर से खुलेगा, इधर से खुलना था, खुल गया। ये रहा हमारा कैमरा। इसके अंदर क्या क्या मिलता है अब देख लेते हैं। इसके अंदर हमको एक चार्जर मिल जाता है और एक टाइप सी केबल मिल जाती है इसको पावर देने के लिए। और ये एक इसको स्पेस को हम लगा सकते हैं, और कुछ स्क्रूज मिल जाते हैं इसमें हमको, इसकी वजह से उसको हम किसी भी दीवार वगैरह पे फिट कर सकते हैं। तो बॉक्स के अंदर यही मिलता है और ये यूज़र मैनुअल मिल जाती है, इस पर की सारी कहानी लिखी हुई है, ठीक है। ये सब हम आपको बता देंगे कि यही लिखा है कैसे कनेक्ट वगैरह कर सकते हैं, लेकिन हम आपको इस वीडियो में पूरा बताएंगे कैसे आप उस कैमरे को अपने फ़ोन से कनेक्ट कर सकते हैं और क्या क्या इसके अंदर फीचर्स हैं, सारा कुछ हम बताने वाले हैं। सबसे पहले मैं इसके जो बेसिक फीचर्स आपको बता देता हूँ, इस कैमरे में आपको कितना कैमरा मिलता है। तो इसमें आपको एक 3 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए। पीछे इस कैमरे के जो है एक स्पीकर मिल जाता है, नीचे एक टाइप सी पोर्ट मिल जाता है, उसी के बराबर में एक जो है रिसेट का बटन मिल जाता है। कैमरे के नीचे आप एक कुछ लॉक सिस्टम दे रखा है एक छोटा सा, जिसमें आप इस तरीके का जो है इसको फंसा सकते हैं और ये निकलने वाला बिल्कुल नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से फिक्स हो जाता है। इसको आप अपनी बॉल वगैरह या अलमारी वगैरह पे या डेस्क वगैरह पे आराम से स्क्रू की हेल्प से उसको फिट कर सकते हैं और बाद में जो है इसको इस तरीके से इसमें लॉक कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल भी निकलने वाला नहीं है, ठीक है। इसको हम फिट करके भी दिखाएंगे आपके लिए, और भी सारी चीज़ें आपको बताएंगे कि कैसे इसमें जो है मोशन डिटेक्शन और मोशन ट्रैकिंग जैसे फीचर्स काम करते हैं, IR लाइट कैसी काम करती है वो भी हम वीडियो में आगे बताएंगे। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम इस कैमरे का जो है फुल रिव्यू अभी करने वाले हैं। और इस कैमरे में आपको एक माइक्रो SD स्लॉट मिल जाता है, जिसमें आप 128 GB तक का मेमोरी कार्ड आराम से लगा सकते हैं। और इसमें जो ऊपर की तरफ आपके लिए जो है एक माइक्रोफोन भी मिल जाता है यहाँ पे, ठीक है, तो जो कि आपकी ऑडियो को कैप्चर करता है। और इसका जो वजन की बात करूँ तो इसका जो पूरा वेट है इस कैमरे का लगभग 350 ग्राम के आसपास है। कैमरे को वाईफाई से कनेक्ट करने के लिए और उसके सारे फीचर्स एक्सेस करने के लिए इसके लिए आपको अपने फ़ोन में एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा जी कैम प्लस में। ये आपको प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पर मिल जाएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये प्ले स्टोर पर होगा इस टैप का और ऐप स्टोर का भी इस टैप से होगा, तो दोनों को इंस्टॉल कर लेते हैं। मैं दोनों में आपको करके दिखाता हूँ कैसे जो है आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, कैसे कनेक्ट आप कर सकते हैं, ठीक है। इसमें पासवर्ड वगैरह डालना पड़ेगा, ठीक है। इसमें इंस्टॉल हो रहा है, इंस्टॉल होने देते हैं। आप इंटरफेस देख लीजिए, कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको ऐप का मिलेगा, ठीक है। नाम देख लीजिए, इसी नाम से आपको प्ले स्टोर ऐप स्टोर दोनों पे मिल जाएगा। और इस डिब्बे पे भी है एक QR कोड, ये QR कोड अगर इनको आप स्कैन करते हैं तब भी आप इस ऐप पे डायरेक्ट पहुंच जाएंगे, पर ना डायरेक्ट जाके प्ले स्टोर पे लिख ही लो, ठीक है। दोनों ही ऐप हमारे इंस्टॉल हो चुके हैं दोनों फ़ोनों में, तो अब इनको फटाफट से सेटअप करके देखते हैं। इस ऐप को हम ओपन कर लेते हैं, ओपन करते हैं, इसको एग्री करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे साइन अप और साइन इन दो है, यहाँ पे अगर आपको नया अकाउंट क्रिएट करना है तो आप साइन अप पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे अपना कंट्री और ईमेल एड्रेस डाल के वेरीफाई कर लीजिएगा, आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, बड़ा ईजी है। और आपको ऑलरेडी है तो यहाँ पे साइन इन पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे अपना कंट्री सेलेक्ट कीजिए इस तरीके से, और यहाँ पे अपना मेल एड्रेस डाल दीजिए और पासवर्ड भी उसके नीचे। मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ,
तो लॉगिन करते कुछ इस टाइप का आपसे नोटिफिकेशन के लिए परमिशन मांगेगा, इसको अलाउ कर दीजिएगा। तो इंश्योर रिसीव नोटिफिकेशन अलाउ थ्रू फोन सेटिंग कॉटेड कर लो, इसको बाद में देखेंगे क्या था। तो लॉगिन करने के बाद आपको इस टाइप की स्क्रीन ओपन हो जाएगी। तो आप सिंपली आपको ऐड पर क्लिक करना है इस तरीके से, और यहाँ पर जो है लोकेशन की परमिशन मांग रहा है, ठीक है, तो परमिशन आपको देनी पड़ेगी यहाँ पर, वरना ये वर्क नहीं करेगा। और इसमें आपका ये मॉडल नंबर लिखा है E35A, ये इसमें आपको सर्च करना है E35A, ये रहा, ठीक है, ये आपका मॉडल नंबर है कैमरे का। इसमें जो है ये बता रहा है कि इसको आप कनेक्ट करेंगे ना इसको पावर से, तो इस तरीके की लाइट ब्लिंक वगैरह होगी, वो वीडियो में करके दिखाऊंगा आपको। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब ये वाईफाई आ रही है, अब मैं यहाँ पे वाईफाई का पासवर्ड डाल देता हूँ अपने, मैंने अपना पासवर्ड डाल लिया और जो है अपने वाईफाई से कनेक्ट कर लिया है। अभी QR कोड आ रहा है और ये कह भी रहा है कि अपने कैमरे को ये QR कोड शो करो, ठीक है, ठीक है। अब जो क्या करना है हमको, इस कैमरे में अपने इससे कनेक्ट करना है केबल से, ठीक है। चार्जर में लगा देते हैं इसको इस तरीके से, और यहाँ पर जो है इस तरीके से इसको कनेक्ट कर देते हैं केबल से। इसको मैं पावर सप्लाई देता हूँ, पावर सप्लाई देते ही इसमें कुछ नहीं हुआ, हो गया। इस टाइप से ये रोटेट होगा, इस टाइप से ये रोटेट होगा और इसमें एक आवाज़ भी आएगी, ठीक है, ऑन होने के लिए कि भाई ये ऑन हो चुका है। वेटिंग फॉर वाईफाई कनेक्शन, जब तक वाईफाई से कनेक्ट नहीं होगा तो इस तरह की ये आवाज़ निकालेगा। और इस QR कोड को अब हम फिर से जो है इस कैमरे में स्कैन करेंगे, तब कहीं जाके ये कनेक्ट होगा। डिवाइस अभी ऐड हो चुका है, तो अभी हम इसको प्रॉम्प्ट करेंगे यहाँ से और ये बताएगा कनेक्ट हुआ या नहीं हुआ। कनेक्ट हो चुका है, देखिए, ठीक है। अभी हम इसको डन कर देते हैं, ओके। नोटिफिकेशन टेस्ट कर लेते हैं एक बार इस तरीके से, ऑटो स्टार्ट, नेक्स्ट, बैटरी यूसेज, ठीक है भाई। ये फाइल डाउनलोड हो रही है इसमें, और ये देखिए कैमरा हमारा चालू हो चुका है, ठीक है। मैं एक बार इसको बैक आता हूँ, ये देखिए हमारा कैमरा जो ऑनलाइन दिखा रहा है अभी, ठीक है, और इसमें लाइट भी ब्लिंक हो रही है। तो कैमरा हमारा इससे कनेक्ट हो चुका है प्रॉपर तरीके से, और इस कैमरे को आप मल्टी डिवाइस में कनेक्ट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। जैसे कि जिस मेल आई डी से मैंने इस वाले फ़ोन में लॉगिन किया है, उसी से मैंने अपने आईफोन में लॉगिन कर लिया, तो दोनों फ़ोन में मैं इस कैमरे को एक्सेस कर पाऊँगा और दोनों में ऑनलाइन दिखा रहा है। देखिए इस टाइप से मैंने जो दोनों में प्ले किया और वीडियो देखे, दोनों में दिखा रहा है इस कैमरे की, ठीक है। और दोनों ही फ़ोन से मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ, ये देखिए लेफ्ट और ये देखिए राइट, ठीक है, और देखिए डाउन एंड अप। हल्का सा डिले रहता है, अगर यहाँ से मैं जो कमांड देता हूँ वो कैमरे पे हल्का सा डिले रहता है, उसमें एक थोड़ा सा हल्का सा यहाँ पे मैं स्लाइड कर दूँगा उसके बाद ही मूव होगा, थोड़ा सा डिले रहता है इसमें, ठीक है, तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, कंट्रोल काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो कैमरा है पूरा 360 घूम जाता है, तो आप हर तरीके से आप इस जो आपने रूम कैमरा लगा रखा है तो भी आप हर एंगल पर अपना वीडियो देख सकते हैं। और इस कैमरे का जो ऐप है ना इजी कैम, इसके अंदर आपको बहुत सारे सेटिंग्स और बहुत सारे जो ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं इसको कैमरे को कंट्रोल करने के लिए। इसका मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर आपको जो है सारे फीचर्स मैं एक्सप्लेन करूंगा वन बाई वन, तो वो उस वीडियो का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल मैं इस वीडियो में आपको इसकी वीडियो क्वालिटी दिखा देता हूँ, और जो रात में IR वगैरह है वो कैसे काम करता है वो मैं आपको मैं इस वीडियो में बता देता हूँ। अभी ये जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है वो सीधे प्लस के कैमरे से रिकॉर्ड हो रही है, और जो उसका माइक है उसी से मेरी ऑडियो कैप्चर ये भी कर रहा है, और जो डिस्टेंस से मिला लोग एक मीटर की दूरी से ये कैमरा मेरे से दूरी पर रखा हुआ होगा, और ऑडियो वगैरह आप चेक कर सकते हैं, वीडियो कैसे रही वो भी आप चेक कर सकते हैं। मैं रिकॉर्ड हो रही है अभी, रिकॉर्ड होने के बाद में चेक करूँगा, उसके बाद में बताऊँगा आपको मुझे इसकी वीडियो क्वालिटी और ऑडियो क्वालिटी कैसी लगी। फिलहाल इसकी वीडियो क्वालिटी आप चेक कर सकते हैं, ऑडियो भी अभी आप चेक कर सकते हैं। अब मैं अपने कमरे की जो लाइट है उसको ऑफ कर देता हूँ, रूम में बिल्कुल अंधेरा हो चुका है,
और अब जो है कैमरे के ऊपर कोई भी लाइट नहीं पड़ रही है, तो ये जो है आईआर लाइट को टर्न ऑन कर देगा और टर्न होते ही जो है वीडियो क्वालिटी आपको कुछ इस टाइप की मिलेगी, जिसे जो है पूरा ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा पर चेहरा एकदम क्लियर नज़र आएगा। इस कैमरे में आपको 4 आईआर लाइट देखने को मिलती हैं, जिसकी वजह से जो है रात में बिल्कुल अंधेरे में वीडियो काफ़ी क्लीन रिकॉर्ड होती है। और सबसे अच्छी बात यह, अगर आपने इसका नाइट मोड ऑटो कर रखा है तो जो है लाइट के ऑन होती है इसकी लाइट जो है ऑटोमेटिकली ऑफ भी हो जाती है, मतलब जो आईआर लाइट्स होती हैं वो टर्न ऑफ हो जाती हैं। इस कैमरे से जो हमने वीडियो रिकॉर्डिंग की सच में मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। ये 3 मेगापिक्सल का कैमरा है इसका और वीडियो रिकॉर्डिंग सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छी करता है, HD में वीडियो रिकॉर्डिंग करता है। लेकिन इसका जो माइक है वो इतने अच्छे तरीके से ऑडियो कैप्चर नहीं कर पाता, इतने अच्छे से रिकॉर्ड नहीं कर पाता। हमने अभी पिछले वीडियो में दिखाई था, ढंग से शब्द भी नहीं सुनाई दे रहे थे, बस कुछ शब्द हमको सुनाई दे रहे थे, कुछ नहीं सुनाई दे रहे थे। तो ऑडियो इतने अच्छे तरीके से इसमें रिकॉर्ड नहीं हो पाती है, पर वीडियो सच में मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। और इसके काफ़ी ज़्यादा फीचर्स हैं उसके हिसाब से, और वीडियो क्वालिटी देखते हुए मुझे इसका जो है प्राइस काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट मुझे लगा। इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे मोशन ट्रैकिंग, मोशन डिटेक्शन, अलर्ट्स, प्राइवेसी मोड और काफ़ी सारे फीचर्स हैं जिसके ऐप में मिल जाते हैं, जिसका वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा सेपरेट, उसमें आपको हर एक चीज़ इसकी एक्सप्लेन करूंगा, जो भी ऐप में जो दे रखे हैं फिर फंक्शन वगैरह जो भी दे रखे हैं ना, वो सारे एक एक करके एक्सप्लेन करने वाला हूँ डिटेल में। उसका वीडियो आपको जो है जल्दी मिल जाएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। और फिलहाल तो मुझे ये प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, ऑनलाइन जो है इसका परचेस मैंने किया था, लगभग मैंने 1300 रुपये लगभग परचेस किया था इसको, और जब ऑफर में मैंने इसको परचेस किया था, बिना ऑफर के लगभग 1500 के आसपास आपको मिल जाएगा। अगर आप इसको परचेस करना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाकर आप इसको परचेस कर सकते हैं। और अगर हमारी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, और वीडियो कैसी लगी हमें बताना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।